नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल चतुर्वेदी और बात आज करेंगे सबसे पहले चंपावत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षा नगरी रुड़की पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर सीएम ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी को बधाई दी। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड गठन के बाद से ऐसा होता आया है कि पहली बार किसी की सरकार और अगली बार किसी और दल की सरकार बनती थी, लेकिन लगातार दूसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यह उत्तराखंड की जनता ने इतिहास रचा है और यह साबित कर दिया है कि प्रदेश में काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। सभी लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी गर्मी में आशीर्वाद दिया है, हम सबके आभारी हैं और इनकी अपेक्षाओं के अनुरूप चाहे रुड़की क्षेत्र हो, हमारा हरिद्वार क्षेत्र हो, हमारा उत्तराखंड हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा अपना संकल्प लेते हैं। सभी के प्रति जो है हमारी जो उनकी अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा अनुरूप हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। अभी माननीय निशंक जी इस क्षेत्र से लगातार यहाँ की पैरवी करते हैं, अब इनको राज्यसभा में कल्पना दी गई है, वो भी लगातार पैरवी करेंगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक वैसे तो केंद्र सरकार पर हमेशा निशाना साधते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना सेना और नौजवान दोनों को बर्बाद करके रख देगी। 4 साल के लिए भर्ती होने वाले नौजवान अपनी शादी को भी तरस जाएंगे। दरअसल वो आज खेकड़ा में दिवंगत शिक्षक नेता गजे सिंह धामा की मौत के बाद उनके आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना सेना और नौजवानों को बर्बाद कर देगी। ये योजना पूरी तरह से गलत है और इस सरकार को जल्द से जल्द इसको वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा अपनी शादी को भी तरस जाएगा। इस 4 साल की नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने की छुट्टी रहेगी। बचे 3 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद इन युवाओं को नौकरी देने की बात वो कर रहा है जो दोबारा से मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। और इधर पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर ने एक बड़ा मैंने 2024 लोकसभा करते हुए कहा है कि वो बलिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें ये पहले ऐसे आईएएस नहीं है जो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो नवगठित राजनीतिक दल अधिकार सेना की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बलिया के बारे में उन्होंने तरह तरह की चीजें बोली है। अमिताभ ने अधिकार सेना के गठन की घोषणा ये कहते हुए की थी कि अधिकार सेना आम नागरिक में समस्त अधिकार निहित होने की भावना पर विश्वास करता है और उसका प्रयास संविधान प्रदत्त शक्तियों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का है। मैंने 2024 लोकसभा चुनाव बलिया से लड़ने का निर्णय लिया है। मैं यह चुनाव नवगठित अधिकार सेना पार्टी से लड़ूंगा। मैंने बलिया को इसीलिए चुना है क्योंकि बागी बलिया के नाम से विख्यात यह वीरों की भूमि है और शुरू से ही परिवर्तन की भूमि मानी गई है। इधर आरटीओ विभाग एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल बता दें कि पिछले पूर्व आईपीएस की पत्नी और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 जून को ही लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई थी, जिसके बाद ये लाइसेंस जो है वो बनवाया गया। तो अब आगरा में आवारा कुत्तों के एंट्री पर ताजमहल में बैन लगा दिया गया है। दरअसल दोनों गेटों पर अब इसी के लिए बैरिकेटिंग लगाई जाएगी। एक कर्मचारी की कुत्तों को भगाने के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। बंदरों से निपटने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है।
बता दें कि दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल को आवारा जानवरों के आतंक से राहत मिलने वाली है। पुरातत्विक विभाग द्वारा अब ताजमहल के दोनों एंट्री गेटों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और एक कर्मचारियों को कुत्तों के अंदर प्रवेश ना करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वहीं बंदरों के आतंक पर भी अब नकेल कसने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अपना दल एस ने जोरदार तरीके से इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। हर वर्ग को आरक्षण दिलाने में साहू जी के योगदान को अहम बताया गया। बाईपास स्थित पार्टी कार्यालय पर जयंती समारोह का इस दौरान आयोजन किया गया। अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव विनोद गंगवार ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश सचिव लाला भाई पटेल ने भी इस जयंती समारोह को संबोधित किया। जिलाध्यक्ष दिनेश कटियार ने अतिथियों का फूल माला से स्वागत किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छत्रपति साहू महाराज की जयंती मनाई गई। लगातार बढ़ रहे नशे के विरुद्ध अभियान पुलिस की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए मंगलौर कोतवाली पुलिस की ओर से मंगलौर में ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाया गया। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया और समाज में नशे के कारण बढ़ रहे अपराध के बारे में भी जागरूक किया गया। मंगलौर रोडवेज स्टैंड पर नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत एसएसआई रफत अली ने आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि खासकर युवाओं की पीढ़ी तेजी से नशे की चपेट में आती जा रही है और नशे के अंदर डूबती जा रही है। नशे की लत को पूरा करने के लिए युवा आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने से भी कतराते नहीं हैं। नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी लूटपाट व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से युवा भागते नहीं हैं। उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी करती है। उत्तराखंड पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा सके, साथ ही नशे में होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी जा सके। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। अब गुंडागर्दी का जब वीडियो सामने आया है तो कई तरह के सवाल जो है वो उठना लाजमी हो चुके हैं। दरअसल में ये वीडियो जो है वो गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस इन सभी पर मेहरबान बताई जा रही है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया है। मात्र वाकवाड़ा चौकी क्षेत्र से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर यह मारपीट का मामला निकलकर सामने आया। अब जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मारपीट कर रहा है। इनके द्वारा लगातार इस टाइप की घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस इन पर मेहरबान है, यह स्थानीय लोगों का कहना है। लगातार इन लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है, इसी के चलते दबंग लगातार बेखौफ होकर लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। तो ये वीडियो आपके सामने है जहां पर एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया है, साथ ही साथ ही गुंडागर्दी का वीडियो निकलकर सामने आया है। पुलिस द्वारा लगातार नशे के कारोबार में लिप्त शातिर नशा तस्करों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है एवं मादक पदार्थों को रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अब इसी क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली देहात मनोज कुमार चहल के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस व क्राइम ब्रांच सहारनपुर की संयुक्त टीम के द्वारा नशे के कारोबार में लिप्त एक महिला अभियुक्त को पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 395 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है, उसको बरामद किया है। आपको बता दें कि इस महिला के इस गोरख धंधे में लिप्त होने की बात भी साफ तौर पर निकलकर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है।
संभल से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान दो युवकों की डूबकर मौत हो गई। ये मामला जब निकलकर सामने आया तो परिजनों में कोहराम मच गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि गंगा में डूबकर दो दोस्तों की मौत हो गई, गोताखोरों ने इनके शवों को बाहर निकाला, स्नान करते समय ये पूरा हादसा हुआ। गन्नौर थाना इलाके में बबरोला गंगा घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई परिजनों में कोहराम मच गया। लूट की झूठी और मनगढ़ंत कहानी रचने वाले व्यक्ति, शातिर अपराधी जिस तरह से सामने आते हैं, अब उसी को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक व्यक्ति है जिसने उस समय, उसको महंगा पड़ गया ये सारा झूठ बोलना, जब लूट की घटना का पुलिस तक कंप्लेंट पहुंचाई गई, इसको लेकर दिनेशपुर थाना पहुंचे तो उसके बाद पुलिस ने युवक को ही गिरफ्तार कर लिया और चालान काट दिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि दिनेशपुर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर लूट हो गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो युवक द्वारा बार बार बयान बदले गए, जिसके बाद हमने आधे दर्जन सीसीटीवी फुटेज की जांच की और युवक को गुमराह करते हुए पाया गया, जिस पर हमने सख्ती से पूछताछ की और युवक ने सच उगल दिया और लूट की सूचना जो झूठी मिली थी उसके बाद युवक ने ये झूठी घटना के बारे में पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो कर ही लिया, साथ ही साथ चालान की कार्रवाई भी कर दी। और खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर प्लास्टिक गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई। आग लगते कि ये जैसी सूचना सामने आई इलाके के अंदर हड़कंप मच गया है। तस्वीर आपके सामने है जहां पर ये भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद ये जो पूरी घटना है वो दिल्ली के बादली थाना इलाके की बताई जा रही है। प्लास्टिक दाना गोदाम में देर जिस तरीके से ये भीषण आग लगी, दमकल की 23 गाड़ियां राहत और बचाव के कार्य में जुट गई। ये आग की तस्वीर आपके सामने है, कितनी भीषण ये आग लगी है। आग लगने के बाद स्थानीयों में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया और ये तस्वीर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से पूरी तरह से कवायद की जा रही है ताकि किसी भी तरह से इस आग को बुझाने की कोशिश की जाए। ये आग की तस्वीर निकल कर सामने आई है राजधानी दिल्ली के एक इलाके से, जहां पर प्लास्टिक दाना गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें बीते दिनों दिल्ली के मुंडका इलाके में भी आग की घटना निकलकर सामने आई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं अब दिल्ली में एक और इलाका जहां पर भीषण आग लगी है प्लास्टिक दाना गोदाम में, ये आग लगने की घटना निकलकर सामने आई है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।